हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? कल संडे था, कल क्या किया था? सबने घूमने गए थे। वेरी गुड। चलो आज हम सीखेंगे स्टोरी। घर पे सब स्टोरी सुनते हैं? कौन सुनाता है घर पे स्टोरी? मम्मा, है ना? चलो आज हम सीखेंगे लायन एंड माउस की स्टोरी। एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक बड़ी ट्री थी। उसके नीचे लायन सो रहा था, तो उसके पास में ही एक माउस का घर था। छोटा सा माउस, देखा ना, जैसे ब्लैक कलर का आता है, ठीक है? तो वो अपने घर से बाहर आया और लायन के ऊपर खेलने लगा। तो लायन जग गया और माउस को पकड़ लिया और उसको मारने लगा कि मैं, मेरी नींद खराब की तूने, मैं आज तुझे मार डालूंगा। तो माउस ने उसको बोला, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं अभी आइंदा से अभी नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी, आपको परेशान कभी नहीं करूंगा। तो लायन ने उसको छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद लायन कहीं घूमने जा रहा था, तो किसी शिकारी ने उसके ऊपर नेट डाल दी। नेट पता है आपको क्या होता है? वो छोटी छोटी नेट आती है ना, उसको डाल दी। उसमें लायन अंदर आ गया, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा हेल्प के लिए कि मुझे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो माउस वहां खेल रहा था, उसने आवाज सुनी लायन की कि बचाओ बचाओ। तो माउस गया और उसके जो छोटे छोटे टीट होते ना अपने जैसे है, उसी टीट से उसने सारी नेट काट ली और लायन फ्री हो गया। तो लायन ने उसको, माउस को, थैंक यू बोला। जैसे बोलते ना कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, वैसे ही उन दोनों ने एक माउस को थैंक यू बोला और फ्री हो गए। अच्छा, कल हम वापस से कोई अलग स्टोरी सीखेंगे। मजा आया ना सबको? चलो क्लैप करो सब।